सो हे व्हाट्स अप पीपल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम एचके मोदी एंड यू आर वाचिंग एचकेआर राइडर अहमदाबाद। तो आज हम लोग आए हैं वाइट कार्बन के शोरूम पे। ये वाइट कार्बन का शोरूम कुबेर नगर के अंदर आया हुआ है। देखिए ये ऐसा शोरूम है और एग्जैक्टली ये एयरपोर्ट के सामने है ना सर? ओके तो सर आप कुछ बताइए इस व्हीकल के बारे में कि ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है सर? जी एक्चुअली जो ये व्हीकल है स्टूडेंट लेडीज़ LWP के लिए ज़्यादा डिज़ाइन किया हुआ है। काफ़ी लाइट वेट व्हीकल है और ये आप पर चार्ज पे 75 to 80 किलोमीटर अराउंड रन करती है। पर चार्ज पे 75 to 80 किलोमीटर तक चलता है। इसकी रेंज काफ़ी अच्छी मेरे को लगी है, प्लस मेरे को इसका पिकअप काफ़ी अच्छा लगा है। तो सर आप बताना चाहेंगे इसकी रेंज फर्स्ट मोड में अगर चलाए हम तो कितनी है इसकी रेंज? उसकी स्पीड आएगी 15 अराउंड की स्पीड, यानी 15 की स्पीड आएगी उसमें। फिर सेकंड पे चला रहे हो 20 की स्पीड आएगी, आप थर्ड पे चला रहे हो तो 25 to 30 की स्पीड आएगी उसमें। अच्छा मतलब थर्ड पे चलाओगे तो 25 to 30 की स्पीड आएगी। मतलब मैंने अभी जो स्पीड टेस्ट किया उसके मुताबिक एवरेज मेरे को स्पीड मिली है 28 किलोमीटर की। और बाकी इसके फीचर्स क्या है, हमें कुछ समझा सकते हैं सर कुछ फीचर्स के बारे में इसके? इसमें लिथियम आयन बैटरी आती है, 3 साल की वारंटी रहती है। लिथियम आयन बैटरी जो अपनी सीट अरेंजमेंट है उसके नीचे आती है, तो आप रिमूव कर सकते हो। पोर्टेबल बैटरी है, आपको कभी ऑफिस लेकर जाके चार्ज करना है, आपको घर में चार्ज करना है तो आप पोर्टेबल करके आराम से चार्ज कर सकते हो। फिर इसमें पैडल असिस्ट आप देख रहे हो, जैसे कि पैडल असिस्ट दिया है तो आप कभी लेके निकल रहे हो आपकी बैटरी लो हो जाती है, कोई कारण से आपकी गाड़ी बंद हो जाती है तो आप पैडलिंग भी असिस्ट कर सकते हो। काफ़ी लाइट वेट व्हीकल है तो आप पैडल असिस्ट आसानी से कर सकते हो। और जैसे कि मैंने देखा एथर को देखा तो एथर के अंदर बहुत अच्छी गाड़ी है, एथर ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख के अंदर मिलती है, पर उसके अंदर एक फीचर मिसिंग है, वो है बैटरी रिमूवल का। अगर आप किसी फ्लैट में रहते हो, छठे माले पे रहते हो, अगर आपको बैटरी चार्ज करनी हो तो कैसे करोगे आप? इसके लिए आपको रिमूवल बैटरी चाहिए ही चाहिए। फिर दूसरा फीचर मेरे को जो सबसे ज़्यादा पसंद लगा वो पैडल्स, इसके पैडल है। ये किसी भी इलेक्ट्रिक बाइक में मैंने तो आज तक नहीं देखा यार कि पैडल दिए गए हैं, काफ़ी अच्छे हैं। मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पैडल इसके अंदर क्यों दिए गए हैं? एक्चुअली स्टूडेंट के लिए ज़्यादा प्रीफर्ड है, तो स्टूडेंट कभी लेके निकल रहे हैं, अब उनकी गाड़ी बैटरी लो हो गई तो उनको पापा को फ़ोन नहीं करना पड़ेगा, वो पैडल असिस्ट करके आराम से वो घर पहुंच सकते हैं, उसके लिए पैडल असिस्ट किया। और इलेक्ट्रिक का क्या है कि मतलब आपको 2-3 किलोमीटर में गैरेज वगैरह इलेक्ट्रिक का नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आपको पैडल असिस्ट दिया है कि आपको कहीं भी पहुँचना है तो आपको कहीं किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको इसके सहाय की ज़रूरत पड़ेगी, फिर ही आप जा सकते हो, आप आराम से पैडल असिस्ट करके पहुँच सकते हो। फिर आप हमें कुछ बता सकते हैं इसके ब्रेक्स के बारे में? जी आगे डिस्क ब्रेक आता है और हाइड्रोलिक सस्पेंसर आता है, हाइड्रोलिक सस्पेंशंस जी, और पीछे ड्यूअल सस्पेंसर आता है और ड्रम ब्रेक आता है, ड्रम ब्रेक जी। तो यार एक इलेक्ट्रिक बाइक है जो आपको 52 to 55 thousand के अंदर मिलती है, जिसके अंदर आपको मिल जाती है डिस्क ब्रेक, क्या चाहिए यार और क्या चाहिए? और एक्स्ट्रा में USB सॉकेट दिया है, तो आप कभी गाड़ी ड्राइव कर आपका मोबाइल डिस्चार्ज है तो आप चालू गाड़ी पे मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो, मतलब आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो। जो सिस्टम आपको एथर नहीं दे सकती वो आपको वाइट कार्बन देता है 52,000 में, C4C 52,000 में आप इसके अंदर अपना मोबाइल फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो, ऑलमोस्ट अपने एक्टिवा जितना टायर तो है ही है। और मेरे को जो सबसे ज़्यादा इसकी पसंद आया ना यार डिज़ाइन, बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है, प्लस डिस्प्ले काफ़ी अच्छा दिया गया है। और ये देखो यहाँ पे दिया गया है डिस्क ब्रेक का ऑयल, एकदम मस्त सा क्यूट सा लगता है यार। मैंने जब पहली बार चलाई ना तो मेरे को लगा था काफ़ी अंडर पावर होगी, पर यार चलाने के बाद लगा यार पिकअप काफ़ी अच्छे है, इसकी छोटी सी दिखती है पर पिकअप बहुत ही अच्छी है, मज़ा आ गया चला के। और बाकी सर मेन टॉपिक की बात हम लोग करते हैं कि इसकी प्राइस क्या है, जो सब लोग जानना चाहते हैं इसकी प्राइस क्या है, टोटल प्राइस ऑन रोड में कितना पड़ेगा आपको अहमदाबाद के अंदर? एक्चुअली इसके जो प्राइस है 52,800 है और इसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी है जो 31 मार्च तक ही है, तो गवर्नमेंट की सब्सिडी है, स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स पे रहती है, तो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स पे आप परचेस कर रहे हो तो इसमें 12,000 की गवर्नमेंट सब्सिडी देगी आपको। मतलब 52,000 के व्हीकल है और इसके अंदर प्लस आपको 12,000 की सब्सिडी मिलती है, मतलब ये व्हीकल तो आपको 40 में ही पड़ेगा, पर इसकी लिमिट है कहाँ तक? 31 मार्च तक ही है इसका, 31 मार्च तक ही ये ऑफर अवेलेबल है। तो जिस किसी को भी लेना हो तो आ जाइए इस वाइट कार्बन के शोरूम पे, ये सर आपको मिलेंगे। सर आपका नाम क्या है? मौलिक प्रजापति। मौलिक प्रजापति सर आपको मिलेंगे तो वो आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो आइए यार यहाँ पे आइए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो ले लीजिए, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको 40,000 के अंदर ही पढ़ने वाली है। और यार अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया यार, कर लो सब्सक्राइब, कुछ भी करो, लात मारो, घुसा मारो, कुछ भी मारो, पत्थर मारो, कुछ भी मारो, लेकिन वो सब्सक्राइब वाला बटन दब जाना चाहिए।
ट्रैफिक हम लोग चेक करते हैं। ये थर्ड मोड के अंदर है 22, 24, 26, 28। ओके, अब इससे आगे नहीं जा रही है, 28 के आगे नहीं जा रही है ये। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 28 किलोमीटर पर आवर। थर्ड मोड में अगर फर्स्ट मोड करते हैं हम, तो फर्स्ट मोड में तो इसकी यार मैक्सिमम स्पीड है सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर पर आवर। सेकंड मोड में इसकी टॉप स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर की। मतलब आपको थर्ड मोड में ही ज़्यादा देर से चलाना पड़ेगा। की हाइट 6 फुट से ज़्यादा है, मतलब 5 फुट 8 इंच से ज़्यादा है, तो ये गाड़ी थोड़ी आपको छोटी पड़ेगी। और वैसे तो मुझे लगा था इसमें पावर लॉस काफ़ी होगा, मतलब बहुत ज़्यादा अंडर पावर होगी, पर यार उतनी भी अंडर पावर नहीं है। पिकअप अच्छी है इसकी, ट्रैफिक के अंदर चलानी हो तो बेस्ट व्हीकल है यार ये। छोटी सी, हल्की सी, स्मूथ सी। अगर आपको ज़्यादा तेज भगाना है तो ये आपके लिए नहीं है। अरे अगर आपको शांति शांति से जाना हो, एकदम आराम आराम से चलाना हो, तो ये आपके लिए बेस्ट व्हीकल है। रिएक्शन देखा कि 70 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलने वाली। पर वैसे भी कौन चलाता है इसको यार 70 किलोमीटर से ज़्यादा। सिटी में चलानी हो तो बेस्ट है, और 3 घंटे में तो यार फुल चार्ज हो जाते हैं ये। नाइस, पिकअप अच्छी है। जस्ट ऐसे आप इसको पैडल से भी चला सकते हो। एकदम फर्स्ट क्लास साइकिल करते हैं मस्त अंदाज़।